राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाला जी आज बहुत खुश थे। आज वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि उनकी छोटी बेटी सोनम की शादी महोबा के कपड़ा व्यापारी किशोर जी के बेटे सागर से हो रही थी। सागर किशोर जी की पहली पत्नी अमृता का पुत्र था, किंतु सागर उस समय सागर की उम्र यही कोई 10 साल रही होगी जब उनकी पत्नी यानी सागर की मां चल बसी थी। किशोर जी ने शादी ना करने का फैसला किया और वे सागर की दुनिया में मस्त हो गए थे। धीरे धीरे सागर भी बड़ा होने लगा, उसके दोस्तों की संख्या भी बढ़ने लगी और वे अपने दोस्तों में खुश रहने लगा। अब किशोर जी को महसूस होने लगा उन्हें एक जीवन साथी की ज़रूरत है। किंतु इस उम्र में उन्हें लड़की देता कौन, पर उन्हें उम्मीद थी कोई तो मिल ही जाएगी। जब भी वे शीशे के आगे खड़े होते तो उन्हें शीशे के अंदर वाला किशोर शीशे के बाहर वाले किशोर से 4-5 साल छोटा ही दिखाई पड़ता। बहुत विचार किया, फिर आने जाने वाले हर व्यक्ति परिवार के लोगों के सामने अपनी परेशानी का पिटारा खोल कर बैठ जाते, सबको अपने अकेलेपन का एहसास कराते। सही भी था, अभी तो बेटा पढ़ रहा है, जब कहो नौकरी करने लगेगा तब तो उन्हें किसी साथी की ज़रूरत तो होगी ही। लोगों तक किशोर जी की बातें अब असर दिखाने लगी थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बच्चे पालने का झंझट भी नहीं था, बस आने लगे रिश्ते उनके लिए। पर रिश्ते भी इसी तरह के थे, कोई विधवा थी तो कोई लगभग किशोर जी की उम्र की। एक रिश्ता आया सबसे अलग था, किशोर जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़की गरीब घर से थी, बला की खूबसूरत और किशोर जी से 15 साल छोटी। मजबूरी थी माँ बाप की, इतना पैसा नहीं था उनके पास कि उसकी शादी उसके हिसाब से होती। जिंदगी भर पैसों की परेशानी झेली थी माँ ने, लोगों के घरों में काम कर कर के पाला था। पैसे की चमक में लड़की ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। बस फिर क्या था, किशोर जी 1 से 2 हो गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किशोर जी की नई नवेली पत्नी गीता अब मैडम गीता हो चुकी थी। किशोर जी कमाते और गीता उसे ठिकाने लगाने लगी। धीरे धीरे गीता का मायका भी माला माल हो गया। घर गीता के आने के बाद सागर को भी अब आराम हो गई, उसे अब बना बनाया खाना मिलने लगा। सागर भी कोई काम करने लगता तो गीता उसके हाथों से काम करने के लिए मतलब मना कर देती और उसके हाथों से अपने हाथ में वह काम ले लेती। गीता और सागर की उम्र में कुछ खास फर्क नहीं था, इसलिए उनका रिश्ता माँ बेटा कम और दोस्ती वाला ज़्यादा था। शादी के 2 साल बाद गीता ने एक पुत्र को जन्म दिया, देखने में बिल्कुल माँ जैसा सुंदर था। अब उसकी उम्र 5 साल थी। सागर ने नौकरी ना करके किशोर जी की दुकान को संभाल लिया था। अब किशोर जी दुकान में सिर्फ गद्दी पर बैठे रहते, बाकी लेन देन सब सागर के हाथ में था। सागर के भी रिश्ते आने लगे थे, लाला जी भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। सोनम देखने में बहुत खूबसूरत थी और उतना ही आकर्षक व्यक्तित्व चंचल। गीता ने देखते ही सोनम को सागर के लिए पसंद कर लिया और सागर के लिए सोनम से ज़्यादा गीता की हाँ मायने रखती थी। आज सोनम की गोद भराई की रस्म थी। लाला जी खुश थे कि उनकी छोटी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। कहने लगे, अरे ओ नीलम, अंदर की तैयारियां पूरी हो गई क्या? अंदर से आवाज़ आई, जी पापा अंदर सब ठीक है, सोनम भी तैयार है, लेकिन पापा अभी तक वे लोग नहीं आए हैं। आते ही होंगे, ऐसे कामों में देर तो हो ही जाती है, तुम अंदर कोई कमी मत होने देना, बाहर मैं और महेश हैं और बेटा राज का भी ध्यान रखना। अरे पापा आप उसकी चिंता मत करो, वो सब समझते हैं और तैयार होकर टीवी देख रहे हैं। नीलम जो और राज की शादी 2 साल पहले ही हुई थी और भगवान की कृपा से नीलम अपने ससुराल में खुश थी।
अरे नीलम की मम्मी को भेजो, किशोर जी आ गए हैं, उन्हें बोलो जल्दी आए। पूरी 8 चौपहिया गाड़ियाँ थीं, सारी गाड़ियाँ रिश्तेदारों से भरी पड़ी थीं। सबसे पीछे वाली गाड़ी में सागर की मम्मी गीता, किशोर, छोटा भाई अनूप और खुद सागर था। सबका स्वागत पूरी गर्मजोशी के साथ हुआ। गीता हर समय सागर के साथ थी। कोई भी सागर या किशोर जी से कुछ पूछता तो गीता ही जवाब देती। नीलम को यह बात अच्छी नहीं लगी। किशोर जी तक तो ठीक था, लेकिन सागर को तो खुद जवाब देना चाहिए। चाय नाश्ता होने के बाद गीता बोली, अब हमें आगे की रस्में जल्दी से पूरी कर लेनी चाहिए, फिर हमें वापस भी तो जाना है। लेकिन इससे पहले सोनम से मैं मिलना चाहती हूँ। लाला जी ने नीलम की ओर देखा और सोनम की मम्मी कुछ परेशान सी हो गईं। घबरा कर लाला जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं नीलम, इनको सोनम के पास लेकर जाओ। गहरे रंग की साड़ी में सजी धजी सोनम बहुत सुंदर लग रही थी। यूं अचानक गीता को अपने कमरे में देखकर सोनम चौंक गई। अरे शर्माओ मत, मैं तो यूं ही चली आई, कैसी हो? सोनम ने कहा, जी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम ये साड़ी पहन लो, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। यह कहकर गीता ने नीलम की ओर एक साड़ी बढ़ा दी। अभी सोनम तैयार ही हो रही थी कि गीता फिर से कमरे में आ गई। अभी तुम तैयार नहीं हुई? सागर को इतना लेट लतीफ काम बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें अपने इस आदत में सुधार करना होगा। नीलम को गीता की बात सुन सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन चुप रही। सोनम तैयार होकर सबके सामने बैठी थी। सोनम चलो मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है, सागर आगे आओ। सागर आगे आ गया। चलो अब तुम सोनम को अंगूठी पहनाओ। सागर ने जब अंगूठी पहनाई तो सोनम शर्मा गई, किंतु नीलम ने ध्यान दिया कि सागर का ध्यान सोनम की ओर ना होकर गीता पर ही था। सोनम अब तुम भी सागर को अंगूठी पहनाओ, लेकिन अभी भी समय है, एक बार फिर से सोच लेना, बाद में ना कहना नहीं कि गलत शादी हो गई। सब लोग जोर जोर से हंस दिए। लाला जी को देखते हुए गीता बोली, अरे भाई मजाक कर रही हूँ, आप लोग तो डर गए। इस सब मजाक में किशोर जी बिल्कुल चुपचाप थे, सागर भी हंस रहा था किंतु अपनी गीता माँ को देख रहा था, और सोनम आंखें झुकाए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। नीलम ने इस बात पर ध्यान दिया कि सोनम से ज़्यादा उसका ध्यान गीता पर था। सोनम ने सागर की को जो अंगूठी पहना दी, नीलम तो मन में आया कि वह यह सगाई रोक दे, किंतु अभी कुछ कहना ठीक नहीं था। जब सब लोग जाने लगे तो सोनम ने सभी के पैर छुए और सभी ने सोनम को कुछ ना कुछ उपहार में दिया। गीता ने भी सोनम के लिए गले का हार लाई थी। सोनम की खुशी का ठिकाना नहीं था। चलते चलते सागर, सोनम से अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो, फिर ना कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। अरे नहीं मम्मी, सुबह से बातें ही तो कर रही हैं, अब घर चलना चाहिए। नीलम हैरान थी, सागर अपनी होने वाली दुल्हन से कोई बात नहीं करना चाहता था। सब लोग चले गए। उनके जाने के बाद नीलम ने कहा, पापा जी मुझे सागर की मम्मी का स्वभाव कुछ अजीब सा लगा। हाँ वे कहने लगे, काफ़ी मजाके स्वभाव की हैं। सोनम तुम्हें सागर कैसा लगा? सोनम धीरे से मुस्कुरा दी। नीलम परेशान थी क्योंकि वह सोनम की बड़ी बहन थी, उसे की सब चीज़ को वह देख रही थी, परख रही थी। जो चीज़ें उसने गौर की बाकी लोगों की समझ में वो क्यों नहीं आ रही। पापा जी सागर सिर्फ उतना ही करता है जितना उसकी माँ गीता कहती है, उसके पापा जी को तो उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, अपने छोटे बेटे को ही संभाल रहे थे। आगे जाकर हमारी सोनम को कोई परेशानी ना हो। अरे बेटा, अरे संस्कार ही हैं, ऐसे बच्चे आजकल होते कहाँ हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तब नीलम ने कहा, पर पापा इससे पहले कुछ और वह कहती। राज ने आँखों में चुप रहने का इशारा कर दिया। नीलम खामोश हो गई। खूब धूमधाम से सोनम की शादी हुई। दोनों ही पक्ष में पैसे की कमी तो थी नहीं, बढ़ चढ़कर खर्च किया। नीलम ने बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था।
सोनम विदा होकर ससुराल आ गई। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। अनु बार बार आता और सोनम को देखकर भाग जाता। सोनम भी उसे तरह तरह के इशारे करके चिढ़ा रही थी। लगभग सारी रस्में हो चुकी थी। शाम को सोनम की पहली रसोई थी। सोनम ने पूरा खाना बनाया। खाना तो अच्छा बना है, लेकिन सब्जी में नमक ज़्यादा है, गीता ने कहा। सोनम को लगा शायद ये लोग नमक कम खाते होंगे। सागर ने जैसे ही मुंह में खाना रखा, पूरा खाना वापस थाली में थूक दिया। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। सिर खाना छोड़ दिया, फिर उन्होंने खाना नहीं खाया। सोनम घबरा गई। इतना ज़्यादा कैसे हो गया, वह सोच में पड़ गई। उसे रोना आ रहा था, किंतु कहती किससे। तभी गीता बोली, हो जाता है, अभी नई नई हो, धीरे धीरे सबके स्वाद का पता चल जाएगा। मैं अभी सागर को खीर देकर आती हूँ, नहीं तो गुस्से में बिना खाए ही सो जाएगा। सोनम ने गौर किया कि पापा जी बड़े प्रेम के साथ खाना खा रहे थे। सोनम चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसे मम्मी और नीलम की बहुत याद आ रही थी। रोते रोते भूखे पेट सो गई। उसे खीर लेकर कोई भी खिलाने नहीं आया। ससुराल में थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगले दिन जब सोनम की आँख खुली तो वह घबरा कर उठ कर बैठ गई। बड़ी हिम्मत करके कमरे से बाहर आई तो पूरा घर खाली था। सागर और पापा जो है दुकान पर जा चुके थे। अनूप स्कूल चला गया था और गीता दहेज में मिला सामान खोलकर देख रही थी। मम्मी जी, सब लोग कहाँ हैं, सोनम ने डरते डरते पूछा। बेटा, सब लोग हमारी तुम्हारी तरह फुर्सत में तो है नहीं। शादी का घर था, इसलिए दुकान भी दो चार दिन से बंद थी। आज से दुकान खुल गई है। मम्मी जी, जो पापा का खाना, वो तो मैंने बना कर खिला भी दिया। जी मम्मी जी, मुझे उठने में देरी हो गई, अगर आप एक आवाज़ देते तो मैं तुरंत उठ जाती। तब वह कहने लगी, सोनम बेटा, जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी तो सास भी नहीं थी, फिर भी समय से उठ जाती थी, और तुम्हें उठाना पड़ेगा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी जिम्मेदारियाँ खुद समझो। सोनम को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। वह बेचारी चुप हो गई। मम्मी के घर में तो कई बार देर से उठती थी, मम्मी ऐसे तो नहीं बोलती थी, शायद ससुराल इसी को कहते हैं। शाम होते होते सोनम ने कई बार कोशिश की कि वह गीता से बात करे, पर गीता ने उसकी हर बात पर सिर्फ हाँ ना ही किया। शाम को सोनम ने पूछा, मम्मी जी, आज खाना क्या बनेगा। तब उसकी सास कहने लगी, तुम अपने कमरे में जाओ, खाना मैं बना लूँगी। सागर बोल के गया है कि शाम का खाना मैं ही बनाऊँ। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, सोनम ने कहा, कल मेरे से खाने में ज़्यादा नमक हो गया, लेकिन आज नहीं होगा, मुझे खाना बनाना आता है। बहुरानी, उस गीता कहने लगी, खाने में स्वाद नमक से ही आता है, और कल के खाने के बारे में तो तुम्हें पता ही है। इस बार जब अपने घर जाना तो ठीक से सीख कर आना। अभी तुम यहाँ से जाओ, सागर अगर आ गया और तुम्हें यहाँ देखेगा तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। बेचारी सोनम अपने कमरे में आ गई। कितना अच्छा होता कि वो अपना मोबाइल साथ लेकर आई होती, कम से कम मम्मी और दीदी से बात तो कर लेती। दीदी ने तो कहा था कि मोबाइल लेती जाओ, पर मम्मी ने मना कर दिया। बेवकूफ़ी तो उसने खुद की है। मम्मी बोली, नई नई ससुराल है, सबसे मिलना, सब कुछ समझने की कोशिश करना। हम सागर के फ़ोन पर बात करके तुम्हारी खबर लेते रहेंगे। और उसने भी मम्मी की बात मान ली और आ गई, यही सही है। थोड़ी देर बाद सागर और पापा जी घर आ गए। माँ, खाना लगा दो, भूख लगी है, सागर ने रसोई में जाकर कहा। तो गीता ने कहा, खाना तैयार है। सोनम भी रसोई में पहुँच गई। माँ ने कहा था कि ससुराल अपना घर है, फिर यहाँ अपनापन क्यों नहीं है। गीता ने सबको खाना लगाया। सोनम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सबके खाना खाने के बाद सोनम ने बर्तन धोकर रखे और अपने कमरे में चली गई। नींद नहीं आ रही थी। कमरे में ना तो टीवी था और ना ही मोबाइल।
पापा ने जो टीवी दिया था उसे गीता माँ ने अपने कमरे में लगा लिया था। तभी किसी के आने की आहट सुनकर सोनम ने दरवाजे की ओर देखा तो सागर खड़े थे। सोनम सहम सी गई। 2 दिनों में इतना कुछ हो गया कि उसे सागर को देखकर खुशी नहीं बल्कि डर लग रहा था कि कोई गलती ना हो जाए। सारा दिन क्या किया, सागर ने पूछा। कुछ नहीं, सोनम धीरे से बोली। माँ के काम में हाथ बटाया करो। सुबह गया था तब भी माँ रसोई में ही थी और शाम को लौटा हूँ तब भी माँ रसोई में। सोनम क्या कहती, सागर भी वही कह रहे थे जो उन्होंने देखा था। थोड़ी देर में सागर गहरी नींद में खर्राटे भरने लगे। ये कैसी जो शादी हुई थी, कितनी सहेलियों से सुना, फिल्मों में देखा था कितना अच्छा होता है। लेकिन सोनम को घुटन हो रही थी। इस माहौल में ऊपर रहना तो था, अपना ही घर था। सोचते सोचते सोनम कब सो गई पता ही नहीं चला। अचानक आधी रात को उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रोती रही अपने बचाव में, बुलाती भी तो किसे। सूरज सिर पर चढ़ाया। सोनम की आंखें रात भर रो रो कर सूज चुकी थीं। उसकी टूटी चूड़ी उसके दुर्भाग्य की कहानी कह रही थी। ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। 10 बज गए थे। सोनम में हिम्मत नहीं थी वो किसी के सामने जाए और ना कोई आया उसे बुलाने। कब तक ऐसे बैठती। नहा धोकर जब बाहर आई तो गीता माँ की मम्मी बैठी हुई थी। आओ बेटा, इतनी देर से उठी हो, नानी जी बोली। अरे मम्मी, आजकल के बच्चे रात भर सोते कहाँ हैं। लेकिन सागर समय से दुकान पर चला गया था। सोनम सब बातें चुपचाप सुन रही थी। कैसे बताती उनको सागर की करतूतें। जाओ बेटा कुछ खाओ, 1 हफ्ते की शादी में आज को इतने प्यार से बोला और पहली बार उसे किसी ने ससुराल में खाने के लिए कहा था। वो रसोई में गई, खाने के नाम पर 1 रोटी और शाम की सब्जी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने लिए कुछ बना सके। खाने का पहला कौर मुंह में रखते ही सोनम फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। नानी जी खड़ी थी। चुप हो जाओ सोनम, आज की बात है, कल तुम्हारे पापा जी तुम्हें लेने आ रहे हैं, अगली बार आना तो खुद को मजबूत करके आना। नानी जी ने ऐसा क्यों कहा, वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। फिर नानी जी ने उसके लिए चाय बनाई और दोनों ने बैठकर चाय पी। चाय पीते पीते नानी जी ने सोनम को किशोर जी और गीता की शादी की पूरी कहानी कह सुनाई। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ। पापा को आना था, जल्दी नींद खुल गई। सुबह के 4 बजे थे। सोनम ने देखा तो सागर अपनी जगह पर नहीं था। लेकिन सोनम ने ध्यान नहीं दिया, घर में सभी लोग सो रहे थे। वे थोड़ी देर आंखें बंद किए पड़ी रही। तभी सागर ने कमरे में प्रवेश किया और सोनम को जागते देखकर सक पका गया और बाथरूम में चला गया। आज सागर दुकान में नहीं गया था क्योंकि सोनम का समय नहीं गुजर रहा था। बार बार यूं लगता कि पापा आ जाएं। यही कोई 11 बजे थे, गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। सोनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन गीता माँ की ओर देखा तो सहम गई, उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। सागर और गीता माँ का बदला रूप देख सोनम हैरान थी। दोनों लोगों के सुर बदले हुए थे। रात जीजा जी और सागर दुकान की बातें करते रहे। गीता माँ भी आबो भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोनम जब मायके के लिए निकली तो सागर और गीता माँ ने उसे जल्दी आने को कहा। यहाँ तक गीता माँ ने तो यह भी कह दिया कि उसके बिना ये घर सूना सूना लगेगा। लेकिन नानी जी ने धीरे से कहा, अगली बार मजबूत होकर आना। यह बात सोनम को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जब सोनम घर के बाहर आई तो उसे यूं लगा आज उसने जाने कितने दिनों के बाद जैसे खुली हवा में सांस ली हो। सोनम को ससुराल से मायके आने की खुशी तो थी, लेकिन ससुराल में जो कुछ उसके साथ हुआ उससे उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वो अंदर से बहुत उदास थी। घर पहुंची तो दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी, उसी का इंतज़ार कर रही थी। मम्मी को देखकर उसका सब्र का बांध टूट गया। गले लिपटकर बच्चों की तरह रोई।
बेटी पहली बार ससुराल से आई थी। इस तरह रोकता हुआ देखकर उसका मन आशंकाओं से भर गया, पर अभी कुछ पूछना ठीक नहीं था। शाम ही फिर रात, मम्मी मैं आज आपके पास सोऊंगी। हाँ बेटा, इसमें भी कोई पूछने की बात है? आज मम्मी, नीलम और सोनम तीनों एक साथ लेटे थे। पापा, भाई और राज बाहर वाले कमरे में थे। बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है? सोनम ने कहा। हाँ मम्मी, सागर का स्वभाव कैसा है? बहुत कम बोलते हैं। नहीं मम्मी, अभी यहाँ वो नए नए हैं, इसलिए वहाँ तो बहुत बोलते हैं। और गीता जी, वो मम्मी जी भी बहुत ही अच्छी हैं। जब मेरी और सागर की कोई नोकझोंक होती है तो मेरी तरफ से ही बोलती हैं। और इसके बाद एक झूठ बोले जा रही थी, झूठ पर झूठ। सोनम नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा यह जानकर दुख हो कि उनकी ससुराल नहीं, उसके लिए तो जेल है। उसकी माँ कहने लगी, अच्छा। नीलम भी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसे अच्छा लगा कि सोनम को इतना खुश देखकर। आधी रात को सोनम की नींद खुल गई। उसे सागर का भयानक चेहरा याद आ गया। ऐसा होता है पति? नहीं, हर पति ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो नीलम दीदी इतनी खुश ना होती। अगले दिन नीलम दीदी भी अपनी ससुराल चली गई। अभी चार ही दिन हुए थे, अचानक सागर का फोन आ गया कि पापा जी सीढ़ियों से गिर पड़े हैं। आनन फानन में पापा जी सोनम को लेकर ससुराल पहुँचे। तब तक पापा जी दुनिया छोड़ चुके थे। अभी पापा जी के पास कितना ही रही थी, पापा जी ने तो उसे सेवा का मौका भी नहीं दिया। बस यही सोचकर रोए जा रही थी। गीता माँ भी सागर से लिपटकर बिलख रही थी। अब सागर ही पूरे घर का सहारा थे। अनूप तो बहुत छोटा था, वो भी अंतिम समय में पापा जी को छोड़ नहीं रहा था। अंतिम क्रियाकर्म के बाद सोनम के पापा चले गए। अभी पापा जी की तेर भी नहीं हुई थी कि मम्मी जी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कभी खाना अच्छा नहीं बनता तो कभी साफ सफाई को लेकर। तेरहवीं की जगह एक छोटी सी पूजा की गई, वो भी सिर्फ दो तीन समाज को दिखाने के लिए। सोनम के मायके से किसी को भी नहीं बुलाया गया। सागर की बेरुखी सोनम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारा दिन खिलखिलाकर हंसने वाली सोनम इन दो महीनों में बिल्कुल मुरझा कर रह गई थी। गीता माँ बिना तानों के बात नहीं करती और सागर भी इतनी ही बात करते जितनी उनके लिए उनकी इच्छा होती। रात को कमरे में तो आते, लेकिन सुबह कब उठ जाते सोनम को पता ही नहीं चलता। एक दिन आधी रात को सोनम की नींद खुल गई। यही कोई रात के 2:30 बजे थे। सागर अपनी जगह पर नहीं थे। अभी इतनी रात में कहाँ जा सकते हैं? कमरे से बाहर आ गई सोनम। पूरे घर में अंधेरा था, फिर सागर कहाँ है? सोनम के कदम गीता के कमरे की ओर बढ़ चले। शायद माँ को पता हो कि सागर कहाँ गए। लेकिन जैसे उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। सामने सागर और गीता बैठे थे। आप यहाँ? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ आई। क्यों, माँ के पास आने के लिए मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? गीता बोली। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, बस इनको अपने पास नहीं देखा तो घबरा गई। ठीक है, चलो मैं आता हूँ, सागर ने कहा। सोनम अपने कमरे में आ गई। उसके मन में कई सवाल थे। यदि नींद नहीं आ रही थी तो मुझे भी जगा सकते थे। तभी सागर भी कमरे में आ गया। और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, सोनम ने कहा। इतनी रात को अभी सो जाओ, आप मम्मी जी के पास तो बातें ही कर रहे थे। सोनम की बात सुनते ही सागर ने सोनम के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। सोनम को इसकी तनने की भी उम्मीद नहीं थी। सागर का यह रूप देखकर सोनम के दिमाग ने भी काम करना शुरू कर दिया। उसे याद आ गया कि नानी जी ने कहा था, अगली बार आना तो अपने आप को मजबूत करके आना। वो समझ गई, उसे थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। अगले दिन सोनम नहा धोकर सुबह सुबह ही नाश्ता बनाने लगी। सबके उठते उठते नाश्ता बन चुका था। वह सागर का नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। ना जाने ऐसा क्या था, सागर ने कमरे में ही नाश्ता कर लिया और दुकान पर चले गए। सागर के जाने के बाद जब सोनम रसोई में आई तो गीता नाश्ता कर चुकी थी और अनूप भी स्कूल चला गया था। सोनम, एक काम करो, अपने पूरे जेवर मुझे दे दो। क्यों मम्मी जी? सोनम ने कहा। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें संभालने में दिक्कत होगी। सोनम ने कहा। मम्मी जी, मैं अपने गहने संभाल सकती हूँ। रक्षाबंधन आने वाला था,
सोनम बहुत खुश थी, उसे अब मम्मी पापा के पास जाने को मिलेगा। एक एक दिन गिन रही थी, 4 महीने हो चुके थे। कभी कभी मम्मी का फ़ोन आ जाता था और मम्मी ने ही बताया था 1-2 दिन में भैया आने वाले हैं। सोनम ने अपना सामान भी बांध लिया था। सागर से कहने लगी, सोनम सागर रक्षाबंधन है, भैया आ रहे हैं, मैं कम से कम 15 दिन के लिए जाऊंगी। सागर ने कहा, यह मुझे नहीं माँ को बताओ, वो जितने दिन के लिए कहेगी उतने दिन के लिए चली जाना, समझी। तो सोनम ने कहा, ठीक है, पर आप मुझसे इस तरह की बात मत करिए, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। और सागर ने कहा, मुँह चलाती है, और कहकर जैसे ही सागर ने मारने के लिए हाथ उठाया, सोनम ने सागर का हाथ पकड़कर झटक दिया। बस सागर, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, मैं चुप हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं, मैं खूब समझती हूँ तुम्हें और तुम्हारी गीता माँ को। सागर ने सोनम का ये रूप जो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उस रात सोनम की जमकर पिटाई की। अगले दिन जब सोनम कमरे से बाहर निकली तो गीता के कमरे से सागर के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। गीता कहने लगी, तुझे तो लगता है कि सोनम को हमारे ऊपर शक हो गया है। सागर कहने लगा, मैंने तुमसे मना किया था शादी के लिए, पर तुमने मेरी एक न सुनी, थोड़े दिन और इंतज़ार कर लेते तो आज ये मुसीबत हमारी घर ना होती। अब तो किशोर भी नहीं थे, शादी सारी जिंदगी हमारी आराम से कट जाती। इतना कहकर गीता सागर के सीने से लग गई। कितना अच्छा होता कि मैं थी, तुम थे और हमारा बेटा अनूप। मुझे तो हमेशा से यही डर था कि कहीं वो बुढ़ा सोनम को सब कुछ बता ना दे, लेकिन तुमने तो उसे ठिकाने लगा दिया। सोनम को यह सुनकर उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सागर के सामने जाकर खड़ी हो गई और चिल्ला कर बोली, सागर तुम्हें शर्म नहीं आई? ये औरत रिश्ते में तुम्हारी माँ बन के आई और तुम छी छी, और तुम्हें तो शर्म नहीं आई? उस इंसान ने तुम्हारे लिए सागर के रिश्ते पर विश्वास किया और तुमने उसे जान से मार दिया। गीता ने सोनम के बाल पकड़कर खींच लिए। चुप रहो, अपने उस बुढ़े ने मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। पैसा तो था पर इस हुस्न की कदर करनी उसे नहीं आती थी। जब सड़क पर उसके साथ चलती थी तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे। मैंने जब सागर की आंखों में अपने लिए प्यार देखा तो मुझे एहसास हो गया था मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर डाली। बस फिर एक दिन मैंने उस गलती को सुधार लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सोनम ने कहा। इसमें शर्म की क्या बात है, बुढ़ऊ ने तो कभी नहीं कहा तुम, लेकिन बहू रानी आज तुमने जो गलती की है तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। इतना कहकर गीता ने सोनम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और सागर ने भी लात घूसों की बरसात कर दी। नन्ना अनूप सब कुछ देख रहा था, वह डर के कांपने लगा। गीता ने सागर से कहा, सागर आज इसे आग लगा देते हैं वरना यह हमारे जीवन में आग लगा देगी, इसके घर वालों को कह देंगे खाना बनाते हुए हादसा हो गया। सागर अधमरी सोनम को खींचकर रसोई में ले जाने लगा। गीता ने भी स्टोर से मिट्टी का तेल ले आई। अनूप दरवाजे के पीछे छिपा सब देख रहा था, वह बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसे कुछ नहीं सूझा तो वह दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। ठीक उसी समय सोनम का भाई अजीत उसे लेने के लिए आ गया। अनूप उसे देखकर लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अनूप को गोद में उठा लिया और घर के अंदर चला आया। अंदर का नज़ारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। अनूप जाओ बाहर से अंकल को बुला कर लाओ, अजीत की आवाज़ सुनकर सोनम बोली। भैया बचा लो, इतना कहकर वो बेहोश हो गई। तब तक अनूप भी बाहर से आने जाने वालों को बुला लाया। अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग हिल गए। सबने मिलकर सागर और गीता को धर दबोचा और दोनों की पिटाई कर दी। सोनम को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस को खबर कर दी गई। सोनम, अनूप और अजीत के बयान और बाकी लोगों की गवाही के आधार पर गीता और सागर के ऊपर किशोर जी की हत्या और सोनम की हत्या की कोशिश का जुर्म साबित हो गया। दोनों को उम्र कैद हो गई। अनूप को सोनम के संरक्षण में दे दिया गया। दोस्तों, यह थी कहानी। कोई भी रिश्ते नाते, लड़कियों की शादी विवाह हमें बड़े सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि
किसी के भी बाहरी दिखावे में नहीं आना चाहिए। अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही लड़कियों का विवाह किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।